Hello students, in this video we will be discussing question number 2 of additional exercise of force and law of motion. ठीक, तो question कह रहा है, two person manage to push a motor car of mass 1200 kg at a uniform velocity along a level road. Mass कितना दिया, 1200 kg, दो लोग force लगा रहे हैं, और force लगाने के बाद भी जो car की velocity है वो constant है. बहुत अच्छा सवाल है, car की velocity constant है मतलब acceleration क्या है, zero. इसका मतलब मेरे जो फोर्स जो मैं लगा रहा हूँ, जनरली आप फोर्स लगाते हो तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, लेकिन यहाँ पर एक्सेलरेशन जीरो है. इसका मतलब मेरा लगाया हुआ फोर्स, मैं जो फोर्स लगा रहा हूँ उसको कोई और फोर्स कैंसिल कर दे रहा है. अब जब कार मूव करती है आगे, ऑब्वियसली बात है जब कार मूव करती है तो कौन सा फोर्स इसके मोशन को अपोज करता है, वो होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. मैं इधर फोर्स लगा रहा हूँ तो फ्रिक्शन जस्ट अपोजिट लगेगा. तो कहने का मतलब कि जब दो बंदे फोर्स लगा रहे हैं कार पे, तो उन दोनों के फोर्सेस को कौन अकेला कैंसिल करते रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. ठीक, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन जीरो है, नेट फोर्स जीरो है. फिर कह रहा है द सेम मोटर कार कैन बी पुश्ड बाय 3% टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. लेकिन जब तीन बंदे फोर्स लगा रहे हैं तो उसमें 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन हो रहा है, मतलब तीन बंदों का फोर्स इस फोर्स से थोड़ा ज्यादा है. ठीक, अब कह रहा है विद व्हाट फोर्स डज ईच पर्सन पुश द मोटर कार, अज्यूम दैट ऑल द पर्सन पुश द मोटर कार विद द सेम मस्कुलर एफर्ट. तो पहले अपन दो बंदों का देखते हैं, ठीक है, पहले टू पर्सन का देखते हैं. और कह रहा है हर पर्सन सेम फोर्स से उसको पुश कर रहा है. तो दो बंदों का फोर्स, सपोज एक बंदे का फोर्स एफ है, फोर्स अप्लाइड बाय वन पर्सन इज एफ, तो दो पर्सन का फोर्स कितना हो जाएगा, एफ प्लस एफ, टू एफ. अब पहली कंडीशन में कह रहा है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो है मतलब नेट फोर्स जीरो है. नेट फोर्स कैसे निकालते हैं, जो भी आपने फोर्स लगाया, अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर. जनरली अपन ऐड करते हैं फोर्सेस को, लेकिन अगर मैं इसको पॉजिटिव ले रहा हूं तो इसको मैं क्या लूंगा, नेगेटिव, क्योंकि डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है. तो नेट फोर्स हो गया 2F माइनस F, और ये कितने के बराबर हो गया, जीरो के बराबर. ये मुझे पहली इक्वेशन में गई, नेट फोर्स कितना आ गया, जीरो. तो यहाँ से आपको एक कोरिलेशन क्या मिल जाएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितने के बराबर है, 2F के बराबर है. अब कह रहा है जब इस कार को तीन पर्सन पुश करते हैं, तीन पर्सन, तो कितना एक्सेलरेशन हो रहा है बेटा, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मतलब यहां पर कुछ ना कुछ नेट फोर्स लग रहा है, जीरो नहीं है वो. तो यहां पर नेट फोर्स कितना हो जाएगा, नेट फोर्स एफ, एफ नेट विल बी इक्वल टू फोर्स अप्लाइड बाय 3% कितना हो जाएगा, 3F माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. फ्रिक्शन तो लगता ही रहेगा, चाहे 10 लोग पुश करें चाहे 1000 लोग पुश करें, और फ्रिक्शन की वैल्यू कॉन्स्टेंट रहती है, उसकी वैल्यू जल्दी चेंज नहीं होती है. अब व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन, 3F माइनस, इस इक्वेशन से F की वैल्यू कितनी मिल गई, 2F. तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 2F के बराबर है, तो यहां मैंने 2F रख दिया. मास कितना दिया है, 1200, एक्सेलरेशन दिया है 0.2 इज इक्वल टू F. ठीक, क्या हो गया आंसर, F विल बी इक्वल टू 12 2 24, और एक जीरो कट गया, 240 न्यूटन. This is the force applied by one person. I hope it is clear to you. बस एक concept ध्यान में रखना, अगर आपने force लगाया और object की velocity constant है, मतलब आपके force को कोई cancel out कर दे रहा है, और net force कितना होगा, zero. या कहने का मतलब जो सामने वाला force है वो आपके force के just equal और opposite है, तो ये आपको relation मिल गया. ठीक, I hope it is clear to you. Thank you for watching. Bye bye.